स्वामी विवेकानंद शासकीय कन्या महाविद्यालय नागदा में जन भागीदारी अध्यक्ष दिलीप सिंह शेखावत के मुख्य आतिथ्य में पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर जेपी श्रीवास्तव, सह प्रा डॉक्टर माधवी पाटीदार, मुख्य लिपिक एम एफ हाशमी मौजूद थे। कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित करके हुआ। अतिथियों का स्वागत डॉक्टर विवेक अग्रवाल, श्री कृष्ण पाल सिंह नरुका, डॉक्टर घनश्याम सिंह एवं नेहा भोरवाल ने किया। इस दौरान अतिथियों द्वारा विद्यार्थियों को वर्ष भर महाविद्यालय में आयोजित विभिन्न गतिविधियों में विजेताओं को पुरस्कृत किए गए। स्वागत के सत्र के बाद हमेशा बना रहा और क्यों ना बना रहे हमारे विधायक हैं, क्यों ना इनका व्रत हर समय मिलेगा, इनकी सेवा, इनका कर्मठ, इनका दृढ़ विश्वास हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी। कन्या महाविद्यालय की भूमि का आवंटन से लेकर बजट स्वीकृति तक, तब तक ये उस कार्य के पीछे ऐसे लगे रहे जब तक वो कार्य पूर्ण अवधि तक नहीं पहुंच पाया। आज ऐसे विधायक को पाकर हम जो गौरवान्वित हो रहे हैं, शायद शब्दों के माध्यम से कह पाना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। हम विधायक को खूब सुने, इसलिए मैं बच्चों और आपके बीच में विघ्न पैदा करना नहीं चाहता हूँ। आप भी वेस्टर्न प्रोग्राम से आ रहे हैं। उस समय यहाँ पर छात्राओं की संख्या केवल 38 थी और उत्तर लगातार इसमें संख्या बढ़ी है। इस सत्र में छात्राओं की संख्या 138 के पास पहुँच गई है और इसमें अनुसूचित जाति की 50 छात्राएं हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग ने प्रवेश लिया है। यहाँ पर कक्ष की कमी है और केवल कला संकाय ही संचालित, उसमें भी सीमित विषय है और उसमें भी जिन छात्राओं ने प्रवेश लिया है तो वो भी सराहनीय है कि कॉलेज में लगातार छात्राओं की संख्या बढ़ रही है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा छात्राओं को विभिन्न छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है। उसके अंतर्गत महाविद्यालय में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के अंतर्गत कुल 68 छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। इसी प्रकार से गांव की बेटी योजना में 7 प्रतिभा किरण के अंतर्गत, 9 आवागमन के अंतर्गत 20 छात्राओं को छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है। इसी के साथ साथ घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ एवं विमुक्त जनजाति व अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति भी छात्राओं को प्राप्त हो रही है। महाविद्यालय में छोटा ग्रंथ हमारा छोटा ही है क्योंकि ज्यादा रूम उपलब्ध नहीं है, तो ग्रंथालय है जिसमें 1187 पुस्तकें उपलब्ध है। और मध्य प्रदेश शासन की जो योजना है जिसमें अनुसूचित जाति व जनजाति की छात्राओं को 500 रुपए की निशुल्क स्टेशनरी व 1500 रुपए की पुस्तकें निशुल्क प्रदाय की जाती है, तो महाविद्यालय में इस सत्र में भी सभी को स्टेशनरी व पुस्तकें प्रदाय की गई। और शासन की ही स्मार्टफोन प्रदाय योजना के अंतर्गत सत्र 2014-15 और 15-16 की छात्राओं को स्मार्टफोन प्रदाय किए गए, लेकिन सत्र 2014-15 की 10 छात्राएं अभी भी उनको स्मार्टफोन वितरण नहीं किया जा सका है। छात्राओं के व्यक्तित्व विकास के लिए कॉलेज में, महाविद्यालय में एक प्रकार के व्याख्यानों का आयोजन किया जाता है और इसी तारतम्य में विधिक सहायता में घरेलू हिंसा पर तहसील के व्यवहार न्यायाधीशों द्वारा छात्राओं को
व्याख्यान दिया गया था और इसी तारतम्य में अंबेडकर पीठ के निदेशक डॉक्टर शैलेंद्र पारेश्वर जी द्वारा भी छात्राओं को व्यक्तित्व विकास के इसमें व्याख्यान दिया गया था। इसी के साथ अनेक व्याख्यानों का आयोजन, जैसे भाषा सुधार है, हिंदी दिवस पर है, और महाविद्यालय में व्याख्यानों का आयोजन लगातार होता रहता है। महाविद्यालय में इस वर्ष जो वार्षिकोत्सव संपन्न हुआ उसके अंतर्गत छात्राओं ने बड़े उत्साह से इसमें भाग लिया और इसमें जो सांस्कृतिक कार्यक्रम और क्रीड़ा गतिविधियां हुई उसमें लगभग 103 छात्राओं द्वारा भाग लिया गया और उसमें से 38 छात्राओं ने प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त किया है। और जैसा कि अभी तो महाविद्यालय का भवन नहीं है, लेकिन आपके प्रयासों से महाविद्यालय को भूमि आवंटित हो चुकी है और हम ऐसी आशा करते हैं कि आपके सहयोग और सानिध्य में जल्द ही महाविद्यालय के भवन निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। धन्यवाद। मैं हमारे लाडले विधायक को आमंत्रित करूं, इससे पहले जान सका ना को जिंदगी बहुत कठिन है। हमारे विधायक जी इस स्तर पे आने के लिए उन्होंने कितने प्रयास किए होंगे, ये उनका एक विश्वास था कि मैं इस ऊंचाई को छू के दिखाऊंगा। जिंदगी बहुत कठिन है, जान सका ना को, जिंदगी बहुत कठिन है, नहीं किसी को ज्ञान, वक्त तराशता है जिसे, बनता वही महान, रे हर चरण का कहना, चंचल का कहना। कल एक्चुअली अर्चन भैया से मेरी बात हो गई थी कि मेरा गला खूब खराब है, इसलिए उनको आज पता था कि विधायक जी ज्यादा नहीं बोलती, इसलिए मुझे आज बुला लिया। कल लगभग 31-32 शादियां थी और दिन भर में कहीं पे रायता पिया, कहीं पे श्रीखंड खाया, कहीं गुलाब जामुन खाया, उसके कारण गले की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। अर्चन भैया को ये पता था, तो मिला के अर्चन भैया ने कहा कि जिंदगी कठिन है, कोई कठिन नहीं मैं मानता हूँ। ये बात अलग है कि सुविधाएं कम हो सकती है, हम जो चाहते हैं वो हमारे माता पिता हमको सुविधाएं नहीं दे पाते हैं, लेकिन जिंदगी हमेशा हसीन होती है। बस ये है कि जीने वाले को उस जिंदगी को कैसे जीना है। मैं अर्चन भैया और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जिंदगी को बहुत मजे से जीना चाहिए, बहुत मजे से, कितना भी कष्ट हो, कितनी विषमताएं हो, उन सारे तकलीफों के बाद भी देखो नदी की धार के साथ जो बहता है उसे नाविक कभी नहीं कहते। नदी की धार के विपरीत जो बहके और किनारे लग जाता है वही साहसिक नायक नायक होता है, नाविक होता है। इसलिए हम वो नाविक हैं कि जो नदी की धार के विपरीत बहने वाले लोग हैं। और भारत की संस्कृति भी वही रही है कि हमेशा कहते ना रूस, रोम, जर्मन सब मिट गए जहां से, क्या चीज है जो भारत की हमारी हस्ती मिटती थी, हम नहीं कहते, पूर्व में कई लोग ये कहते। इसलिए हम उस भारत के में जन्म लेने वाले लोग हैं जिन्होंने विश्व को जीरो दिया, जिसने विश्व को सब कुछ दिया, सब कुछ। आज वायुयान है तो किसी वैज्ञानिक की कल्पना थोड़ी है, वो तो हमारा बताया हुआ कि रामायण में प्रभु राम पुष्पक विमान से गए, वो प्रभु राम के जमाने में विमान था। हाँ, उसको फिर लोगों ने सोचा कि उस जमाने में जब विमान था तो अभी क्यों नहीं बना सकते। तो ये सारी चीजें हमारी दी हुई चीजें हैं। आज ग्लोबल वार्मिंग है, ये चीजें तो हमने पहले के दिया, नदी गंगा हमारी माँ है, पीपल हमारा आराध्य पेड़ है, ये चीजें हमने पहले बता दी दुनिया को। आज मैं कई बार जब इस बारे में सोचता हूं तो मैं ये कहता हूं, आज वैज्ञानिक लोगों के पास साधन है, व्यक्तिगत देख सकते हैं वो पूरे ब्रह्मांड में क्या चीजें, लेकिन आज के हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने लिख दिया
इस समय इस दिन इस वार को इस महीने में इस साल में चंद्र ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण होगा। अब आप सोचो उस जमाने में उनका कितना अध्ययन होगा जब उनके पास में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। परमाणु बम अब बना, लेकिन परमाणु बम की किरणें गाय के गोबर से लिपे हुए घर में किसी प्रकार का कोई भी हम वो बुरा नहीं कर सकता, उस जमाने में कर दिया। आज पूरे विश्व ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के एक आह्वान पे योग दिवस को स्वीकार कर लिया, बाबा रामदेव को एक सेकंड में स्वीकार कर लिया। लोगों को पता लग गया योग कितनी महत्वपूर्ण चीज है। आज भी हम जैसे एमडी डॉक्टर के पास जाते, पहले लोग नहीं मानते थे, लेकिन आज हम एमडी डॉक्टर के पास भी जाते तो क्या कहता, दिलीप जी आपकी सारी व्यस्तताएं होगी लेकिन आधा घंटा सुबह योग कर लिया। तो एमडी डॉक्टर को भी पता लग गया योग कितना महत्वपूर्ण है। ये चीज हमने कब दे दी, हजारों साल पहले दे दी हमने। आज भी चिकनगुनिया अगर होता है तो चिकनगुनिया का बहुत आसानी से इलाज नहीं, लेकिन हमारे वेद जो पुराने हैं, जितनी भी हमारे धन्वंतरी हैं, वेदाचार्य हैं, उनके पास उसका ट्रीटमेंट है। आज भी आसानी से चिकनगुनिया का इलाज नहीं। ये सब चीजें मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि कुल मिला के हम कितने महान देश में जन्म लेने वाले लोग हैं, कितने महान देश के अंदर। और जैसे मैंने मेरी बात को शुरुआत करी ना कि जिंदगी कभी भी कठिन होती ही नहीं है, कभी नहीं होती। और इसलिए उस जिंदगी को और ठीक बनाने के लिए सरकार बहुत सारी चीजें कर रही है। अभी आप में से कितने बहनों को यह पता है कि सरकार ने एक बहुत बड़ा बजट अलॉटेड करा है मार्च में, किसी को पता है? अभी बजट अलॉटेड करा है सरकार ने, पता है किसी को? ये हिंदुस्तान के जो रहने वाले 100 करोड़ से अधिक जनसंख्या, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है क्या, हम अध्ययन नहीं करते। 1000 करोड़ रुपया अभी सरकार ने, कितना 1000 करोड़। अभी मैं बीए की अगर किसी बहन से कहूंगा 1000 तुरंत लिखो ना, तो उनको गिनना पड़ेगा 21,000, 10,000, 10,000 करोड़, 10 करोड़ लिखना पड़ेगा, उसमें भी मिंडी भूल सकते हैं। एक हजार करोड़ रुपया काय किस चीज के लिए खर्च प्रोविजन करा है, जो बच्चा बीकॉम 12th में पढ़ने के बाद में हायर एजुकेशन में जाएगा, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एमबीए और भी अन्य जितने भी सारी जितना भी हायर एजुकेशन है, जितना भी उन सब में अगर वो बच्चा सिलेक्ट होता है और जिसके माता पिता साल में 6 लाख रुपए कमाते हैं, इट मीन्स 50,000 रुपया महीना जिसके माता पिता कमाते हैं, उन बच्चों की सारी फीस सरकार देगी। 50 लाख रुपए साल तक अधिकतम सरकार खर्च करेगी एक बच्चे पे, 50 लाख। आश्चर्य हो रहा होगा कि 50 लाख सरकार खर्च करेगी, लेकिन करेगी आने वाले समय में। इस साल बजट का प्रावधान हो गया, इसी साल जो बच्चा एडमिशन लेगा उसके, उस बच्चे की अगर माता पिता 50,000 से कम कमाने वाले पेरेंट्स से, उसमें नागदा के लगभग कुछ लोगों को छोड़ के 80-90% लोग कवर्ड हो गए पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, क्योंकि कुछ 20% लोगों को छोड़ दो जिनकी आय 6 लाख से ज्यादा, उनको छोड़ दो तो बाकी 80% लोगों की इनकम ऑफ सोर्सेज मेरी विधानसभा में 6 लाख से कम है। तो मध्य प्रदेश के 70% लोग अब उस योजना में कवर्ड हो जाएंगे। इट मीन्स क्या हुआ, अब किसी भी माता पिता को चिंता करने की जरूरत नहीं कि मेरे बच्चे में अगर टैलेंट होगा और मेरे साधनों के अभाव के कारण वो टैलेंट मरेगा, वो माता पिता सोचते हैं, समाज सोचता, लेकिन अब टैलेंट को मरने नहीं दिया जाएगा किसी कीमत पे। ये मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री जी की अभिनव योजना, अभिनव। मैं रियली आपसे विनम्रता से निवेदन करूंगा, मैं प्राचार्य महोदय से भी ये निवेदन करूंगा कि हायर एजुकेशन की जितनी योजना है बुकलेट में दे दूंगा आपको, मेरे पास में जो मध्य प्रदेश शासन की बुक होती है जिसमें ये रहता पहले आओ पहले पाओ, ऐसी एक बुकलेट है, वो बुकलेट में आपको दूंगा। और निश्चित रूप से एक हमारे कॉलेज में हम क्या क्या सुविधाएं शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की सरकार दे रहे हैं, वो सारी चीजें होना चाहिए, इससे प्रेरणा मिलती है ना। ये तो बहुत से बच्चे तो केवल इसलिए निराश हो जाते हैं, मैं पढ़ भी लूंगी
तो अभी मेरे पिताजी में इतनी क्षमता नहीं कि मुझे डॉक्टर बनाने के लिए 30 लाख खर्च करेंगे, तो आधे आधा उसमें जो उसका जोश है वो आधा तो जोश इसी कारण ठंडा हो जाएगा। और जब उसे ये पता लग जाएगा कि मेरी सरकार आपकी सरकार 50 लाख रुपए खर्च करेगी एक बच्चे को बड़ा आदमी बनाने के लिए, तो उसको लगेगा नहीं अब मुझे केवल मेहनत करना है, सरकार मुझे पढ़ाएगी और बड़ा आदमी बनाएगी। और इसलिए मैं प्राचार्य महोदय से भी निवेदन करूंगा, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, आजकल तो नेट का जमाना, स्मार्टफोन है, गूगल पे सर्च करा मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन, पूरी साइट पे देखा क्या क्या चीजें हैं। मतलब आप जैसे मेरे साथ लाला रहता है, तो अभी मुझे एक सागर के विधायक जी का कोई काम आ गया, वहां के कुछ चीज थी तो मेरे को फोन करना था, मुझे नाम तो याद था शैलेन जैन जी है वहां के विधायक, लेकिन नंबर नहीं था। मैंने कहा मैं पार्टी कार्यालय से या सीएम हाउस से लेता हूँ। उतने देर में मेरे साथ वाले ने गूगल पे सर्च कर, भाई साहब शैलेन जी जैन वहां के विधायक, ये नंबर है। इतना मोमेंट फास्ट है। अभी अभी आपको पता है कि नहीं, घड़ी किसी ने अडॉप्ट करी है, आविष्कार करा है। कोई भी बहन अगर कहीं पर कोई हरकत होगी और उस घड़ी का अगर वो दो बार चाबी को साइड दबा देगा तो गूगल पे पेरेंट्स के पास में विथ लोकेशन कहां पे और किस दिशा में बच्ची जा रही है पता लग जाए। पता है ये बात किसी को नहीं? अभी आया लेटेस्ट, मैंने एक दिन, मुझे टीवी का ज्यादा टाइम नहीं मिलता लेकिन मैं टीवी पे देख रहा था तो उसका एडवर्टाइज आ रहा था। अब दुनिया चांद पे जाके घर बसाने की कोशिश कर रही है कि हम चांद पे जाके एक अच्छा सा हमारा आसियाना होगा। स्मार्टफोन अभी दी है चंद क्या बता रहे सरकार की बहुत सारी योजनाएं, पर ईमानदारी से मैं आपको बताता हूँ कि मेरी विधानसभा में मैं चाहता हूँ कि मेरी विधानसभा एजुकेशन हब बने, और उसके लिए चाहे मॉडल स्कूल हो, नवोदय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय का सेकंड फेज अभी सेंक्शन हो गया 600 लाख का, इसी साल एनी हाउ कंडीशन कन्या महाविद्यालय के भवन बनना चालू हो जाएगा इसी साल एनी हाउ कंडीशन। हर दस गांव में एक 10th की स्कूल हो, एक 12th की स्कूल हो, आने वाले समय में सरकार कर रही है। हमने जब मेरे पहले जो जनप्रतिनिधि थे, मैंने एक बार विधायक दल की बैठक में ये प्रश्न उठाया माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैंने कहा सरकार स्कूलों का उन्नयन पहले करती है और बिल्डिंग और स्टाफ बाद में देती है और फिर बाद में छपता है पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ के पढ़ते भवन नहीं है। मैंने कहा भाई साहब ऐसा मत करो, पहले स्कूल का उन्नयन के साथ में भवन भी दो, आपको प्रसन्नता होगी। मेरे पिछले साल 6 स्कूल 10th की स्वीकृत हुई थी, 2 हथवार सरकार ने 1 करोड़ रुपया दिया और परसों ही 3 स्कूलों के 1 करोड़ रुपया और दे दिया। मतलब हर 10th और 12th के स्कूल के साथ में सरकार बजट अलॉटमेंट करेगी अच्छे सुंदर भवन के लिए। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में जिसको कहते हैं अभूतपूर्व सुधार मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। मैंने कल ही CSR फंड जो इंडस्ट्रियों का होता है उसको कहा कि नागदा सरकारी कॉलेज में ई लाइब्रेरी के लिए मुझे इतने कंप्यूटर चाहिए। अभी यहाँ MA खुल रहा है, खाचोर में MSc खुल रहा है और MSc की लैब और सारी चीजें वहां खुलेगी। आपके यहाँ भी जल्दी जैसी भवन बनेगा मैं तीनों फैकल्टी चालू करा दूंगा। आपके कॉलेज के साथ ही माननीय उमाशंकर जी गुप्ता जब हायर एजुकेशन मिनिस्टर थे, जब मैंने कॉलेज के साथ ही कहा था कि मुझे हॉस्टल भी दे दो ताकि ग्रामीण क्षेत्र की बहनें भी उस हॉस्टल में आराम से रह सके। पर अंत में एक चीज कहूंगा कि कुल मिला के इस जिंदगी में जितनी मेहनत इस एज में कर सकते हो, जितनी मेहनत कर सकते हो, कोई कसर नहीं। अभी 2 लोगों के बारे में कहूंगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी जब ये कहते थे कि मैं मात्र 4 या 5 घंटे सोता हूं तो लोग हंसी उड़ाते थे, लेकिन अभी यूपी के जो चीफ मिनिस्टर बने योगी जी, वो भी मैंने 4-5 दिन कंटिन्यू सुना, तो उनके जो शिष्य वो कह रहे थे कि सुबह 4 बजे 3:30 4 बजे उठ जाते हैं, नहाते हैं, फिर दुर्गा सप्तमी का पाठ करते हैं, फिर टहलते हैं, फिर उस मंदिर जाते हैं, इस मंदिर जाते हैं, फिर गाय को चारा देते हैं, फिर मछलियों को दाना देते हैं, फलाना डिमका ही वो। तो मुझे लगा कि 4 घंटे सोने के बाद भी उनके चेहरे पे जो आपको लगता है कहीं थकान जैसी कोई चीज मैंने माननीय मोदी जी के चेहरे पे भी नहीं देखी,
और माननीय योगी जी के चेहरे पे भी देख सीक्वेंस मोदी जी एंड योगी जी। मुझे ये लगा कि जो लोग ये कहते अरे नींद पूरी नहीं हो रही है, मक्खी मार रहे हैं, उबासी भी है, इट मीन्स नींद सब कुछ नहीं है, ये हमारा बहन मतलब जिसको कहते ना हमारा डाउट है कि मुझे इतने घंटे सोना चाहिए। उसमें मैं आपसे अंत में विनम्रता से यही निवेदन करूंगा, कल से मुझे सर बता रहे थे कि बीए की फाइनल ईयर की एग्जाम कल चालू होगी, आप सबके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। सम्मानजनक होने भी सैलरी मिला एक्चुअली की राजनीतिक मन से नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना कि जो इसके पहले हमारी व्यवस्थाएं रही, शिक्षक अगर नहीं रहेंगे तो फिर बच्चों का नुकसान है ना, क्योंकि हम लोग आते हैं ना सितंबर अक्टूबर तक। मान के चले कि मध्य प्रदेश की सरकार बहुत सेंसिटिव और जितना विशेष करके कर्मचारी भाइयों के लिए जितना सरकार ने सोचा, जितना नो डाउट आज की तारीख में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, मतलब ये नहीं कि मैं उस दल का विधायक हूं इसलिए ये बात आपको कह रहा हूं, मैंने उनकी जिंदगी को बहुत नजदीक से देखा है, बहुत नजदीक से, और जितना सेंसिटिव वो है, आप ये सोचो कि संविदा शिक्षकों को 700 रुपए 800 रुपए 1000 रुपए मिलते थे, जो हमारे पंचायतों के मंत्री थे उनको 1000 रुपए मिलते थे, आज 17000 सैलरी, और संविदा शिक्षकों का आपके भी निश्चित रूप से होगा ही, मैं प्रयास करूंगा, आज सारी बहनों के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। इस साल जरूर मैंने शेषय महाविद्यालय को कहा था, उनके 100 बच्चे लगभग वहाँ आए भी थे, इस साल अगर आप जो बीए कर भी पास करके एमए में चले जाए उनको, बहनों को भी और जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है उनको भी मैं कहूंगा एक बार लोकतंत्र के मंदिर को देखने के लिए जरूर आए विधानसभा को। आपको पता होना चाहिए हम जिन लोगों को चुनते हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा होता है, वो विधानसभा में कैसे बैठते हैं, विधानसभा में कैसे बोलते हैं, विधानसभा में उनका आसन कहाँ पे है, दूसरे लोगों का एटीट्यूड कैसा रहता है, ये मतलब मैंने कहा ना हर चीज को बहुत नजदीक से अध्ययन करना चाहिए। मैं प्राचार्य महोदय से भी कहूंगा कि मेरा सौभाग्य होगा कि मेरी बहने अगर भोपाल आएगी मैं उनका स्वागत करूंगा, अभिनंदन करूंगा, साथ में ले जाके उनको ये बताऊंगा आपका भाई यहाँ बैठता है। नागदा कॉलेज की शेषय महाविद्यालय के भाई बहन आए थे, उस दिन योग से मेरा एक ध्यान आकर्षण था एक डैम को बनाने के, पहली बार ऐसा हुआ कि एक प्रश्न के उत्तर में तीन तीन मंत्रियों को उत्तर देना पड़ा, मेरी सेटिंग ऐसी तगड़ी थी इसलिए आज मैं आप सबके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं, और भी कुछ चीज होगी तो निश्चित रूप से मुझे ये प्रसन्नता होगी, क्योंकि वो आपने गाना सुना होगा ना कि मुझे लौटा दो मेरा बचपन, एक गाना है आपने पूरा नहीं आता, मुझे ये लगता है कि इस कॉलेज का पढ़ावा में वही दिलीप शेखावत हो जो 89-90 में पढ़ता था कॉलेज के अंदर, और आज की तारीख में इस महाविद्यालय से निकलने, हाँ मेरा सारा एजुकेशन यहाँ नहीं हुआ, बीकॉम मैंने यहाँ से करा और एमकॉम मैंने उज्जैन से करा, लेकिन एक मिनट में क्या करा?
शर्मा। इससे क्या होता है कि बच्चों के मन में कोई समस्या होती है, वे तुरंत अपने विधायक जी के पास में अपनी बात रख सकते हैं। विधायक जी को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, ये महाविद्यालय जो उनके प्रयासों से और उनके साथियों के प्रयासों से खुला है, शुरुआत इसकी निर्माण की भी जल्दी होने जा रही है, सुविधाएं हो चुकी हैं, तो उनके बच्चों के लिए हम लोग वैसे ही काम कर रहे हैं जैसा कि वो अगर होते हैं यहाँ तो करते हैं। मैं खासतौर पर इसलिए कहना चाहूँगा कि मैं निजी तौर पर देखता हूँ कि बच्चे लोगों के फॉर्म परीक्षा के एक दो बच्चे रह जाते हैं, फॉर्म ही घर पे रख लेते हैं, दे नहीं पाते, तो हम बुला बुला के फोन से कॉन्टेक्ट कर करके उनको बुलाते हैं, जबकि कई बार ऐसा होता है कि दूसरे कोई कॉलेज पढ़े हों तो वहाँ पर चिंता नहीं, आ गए देखे ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये इस तरह की जो निजी चिंताएं हैं स्मार्टफोन को लेकर, मुझे लगता है कि रात को 11 करा रहे तो बच्चों के फोन आए हैं, उनके पिता 20 किलोमीटर दूर किसी खेचू कर रहे हैं, वहां भी हमारी बात हो रही है क्या? तो क्या कि हम चाहते हैं कि सरकार की योजना जिस मंशा से दी गई है स्मार्टफोन को वितरण की, ये पब्लिक तक वैसे ही पहुंचे जैसी दी गई है। हम तो माध्यम है, देखिए माध्यमों का हम देखते हैं कि हमारे साथी लोगों के साथ में, ये साथी लोग हमारे साथ ना होते तो हम जो काम नहीं कर पाते, पूछ पाते जो आज कर पा रहे हैं, और निश्चित रूप से इस शहर के समाज की हमारे साथ में शुभकामनाएं हैं, और ऐसे होनहार विद्यार्थियों के लिए मैं भी शुभकामनाएं देता हूँ, और इन कामनाओं के साथ में कोशिशें करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि वे अपनी छोटी बहनें वगैरह अगर ट्वेल्थ पास कर चुकी हैं तो उनको भी अपने कॉलेज में यहाँ पर लाएं, और अभी भी जो स्कूल में पढ़ रही है जहाँ रहते हैं वहाँ प्रचार प्रसार ऐसा करें कि वे बच्चे महाविद्यालय में आने के लिए लालायित हों। इस सफाई के बारे में हम राष्ट्रीय स्तर पर देख रहे हैं कि व्यवस्थाएं चल रही हैं, उस सफाई में वे भी योगदान दें, और निश्चित रूप से नागता में तो आते थे, मैंने देखा है कि सफाई के बारे में बहुत जागरूकता रही है, पॉलिथिन के बारे में किस कदर यहाँ पर प्रतिबंध रहा है, तो आप लोग का भी ये दायित्व है कि आसपास के इलाकों में भी जाकर इस तरह की चीजों को और हमारी योजनाओं को फैलाएं, हमारी विभिन्न योजनाओं से आप लोग परिचित हैं। आपको बताएं कि प्रतिभा किरण गांव की बेटी में जो फसला बच्चे आती हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाती है, तो हमारे यहाँ की बच्चियों ने लगातार तीनों सालों में ये श्रेणी के अंतर्गत ये अपनी स्कॉलरशिप प्राप्त की है, तो ये गौरव की बात उनके लिए भी है, हमारे लिए भी है। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे भाई साहब मेरे साहब ने जो समय दिया, जो मार्गदर्शन किया, ये निरंतर रूप से उनको मिलता रहेगा, और अगले वर्ष फिर से विजयी को हों हमारी ये मंगल कामना उनके साथ में आई, और उनके प्रयासों से नागरिक को भी लाभ मिले, नागरिक की जनता सुखी रहे। धन्यवाद। आज आप एक फोन पर और बाकी लड़कियों ने भी जो अनुशासन दिखाया, सभी का धन्यवाद, आभार और बहुत बहुत।